नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तर प्रदेश में सियासत मौसम से भी ज्यादा चलती बदलती है। दिल्ली पर बैठे वजीरे आजम को ताज पहनाने वाला उत्तर प्रदेश एक बार फिर से उपचुनाव के लिए तैयार है, और ये सीटें हैं सपा की परंपरागत लोकसभा सीट मैनपुरी, आजम खान का भेद किला कही जाने वाली रामपुर, और एक ऐसी सीट जिस पर कोई भी पार्टी अपना वर्चस्व नहीं जमा पाए, खतौली विधानसभा सीट। पर सबसे अहम सीट खतौली ही क्यों है, देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सांसद थे, 10 अक्टूबर को उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। वहीं रामपुर विधानसभा सीट सपा नेता आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई, और खतौली विधानसभा सीट भी बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई है। वेस्ट यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। यहां की दो विधानसभा सीटों पर रामपुर सदर और मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा को 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। दरअसल दोनों सीटों पर विधायकों को कोर्ट से सजा होने के बाद ये खाली हुई है। आजम खान पर हेट स्पीच और विक्रम सैनी पर हिंसा में शामिल होने का आरोप सही साबित हुआ। कोर्ट ने आजम को 3 साल और विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 या 2 साल से अधिक की सजा पर सदस्यता जाने का प्रावधान है। इसी के तहत दोनों जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हुई है। इस उपचुनाव में बाकी सीटों की अपेक्षा खतौली सीट ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि ये सीट किसी भी पार्टी विशेष का गढ़ कभी नहीं रही। तो वहीं इस उपचुनाव में सभी पार्टियों में, खासकर बीजेपी में, एक अनार 100 बीमार जैसे हालात में कई उम्मीदवार पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी को दंगों से जुड़े पुराने मामले में सजा होने के बाद अब यहां राजनीतिक अखाड़ा एक बार फिर से तैयार है। यह सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है। इस विधानसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। हालांकि यह सीट कभी भी किसी पार्टी विशेष का गढ़ नहीं रही। अभी 2 बार से बीजेपी की झोली में आ रही इस सीट पर रालोद, बसपा, सपा और सीपीआई तक जीत दर्ज कर चुकी है। खतौली विधानसभा सीट पर इस साल हुए चुनाव में बीजेपी के विक्रम सैनी ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर लड़ रही राजपाल सिंह सैनी को 16,000 वोट के अंतर से हराया था। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के विक्रम सैनी चुनाव जीते थे, लेकिन अब विक्रम सैनी के विधायकी गंवाने और 6 साल तक चुनाव न लड़ पाने की बंदिश के चलते गोला की तर्ज पर अपने बेटे के नाम की भी चर्चा है। लेकिन पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सैनी, सुधीर सैनी समेत यशपाल पवार इस सीट पर बीजेपी के संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। रालोद सपा गठबंधन से राजपाल सैनी के अलावा अभिषेक चौधरी इस बार फिर से प्रमुख दावेदारों में शामिल माने जा रहे हैं। 2012 में रालोद गठबंधन से चुनाव लड़कर जीते पूर्व विधायक करतार सिंह बड़ाना की जीत में इनके दामाद लतेश बिधुड़ी की अहम भूमिका रही थी। अब इन्होंने भी सक्रियता बढ़ा दी है। रालोद में रहने के बावजूद लतेश बसपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। अब फिर चुनाव की चर्चा शुरू होते ही लतेश किसी भी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने को तैयार है। दूसरी ओर विक्रम सैनी के सिर से विधायकी का ताज आजम खान की विधायकी छीनने का हवाला देकर छीनने वाले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के 18 नवंबर को खतौली विधानसभा में सभा की तैयारी हो रही है। उन्हें ये जो पहल की है, उन्होंने अपनी हार की पटकथा लिख दी। आने वाले लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी लड़ लेना, मुजफ्फरनगर से लड़ लेना, ये जनता दिखा देगी। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ ऐसी सारी शक्तियों को जो आज खुश है मेरी सजा से या सदस्य जाने से। मैं कोई गुंडा तो हूं नहीं, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया, सजा हो गई है,
हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े वहां भी जाएंगे, और जैसा भी निर्णय होगा वो स्वीकार है, सम्मान के साथ स्वीकार है। मुझे सजा हुई है, मेरी जान नहीं गई। चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से हारे, आपकी बार जैन चौधरी लड़कर देखना चुनाव। अति पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ रहेगा, हिंदूवादी देश जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको सबक सिखा देंगे। मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, सजा हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं, सजा हो गई है, चुनौती दे रहे हैं हाई कोर्ट में। खतौली सीट जीतना जितना आसान दिख रहा है उतना किसी पार्टी के लिए है नहीं, क्योंकि यहां के क्षेत्रीय और जातीय समीकरण सभी पार्टियों का गणित बिगाड़ सकते हैं। लेकिन हां, जो पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण का अस्त्र चलाएगी वो जीत के करीब पहुंच जाएगी। खतौली विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। खतौली मुजफ्फरनगर जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर बसा है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स 3,00,000 से ज्यादा है। इनमें से 1,70,048 पुरुष और तकरीबन 1,45,468 महिला वोटर्स है। कुल वोटरों में लगभग 80,000 के तकरीबन मुसलमान, 45,000 के तकरीबन दलित, 27,000 के तकरीबन सैनी और 35,000 के तकरीबन पार, तो वहीं 25,000 के तकरीबन त्यागी वोटर है। इसके अलावा यहां पर गुर्जर, जाट, ठाकुर, वैश्य वोट भी काफी मजबूत है। 2022 के चुनाव में लगभग 69% वोट पड़े थे, यानी कि 2,17,000 तकरीबन मतदाताओं ने वोट डाला था, जिसमें भाजपा को 17,000 के तकरीबन वोटों से जीत मिली थी, जिसमें लगभग 25,000 वोट त्यागी वोट थे, जिसमें से लगभग 23,000 के तकरीबन वोट भाजपा के पक्ष में पड़े थे। लेकिन अब नोएडा में हुए श्रीकांत त्यागी के घटनाक्रम के बाद श्रीकांत त्यागी भाजपा से खफा चल रहे हैं और वे लगातार बीजेपी के त्यागी समाज के वोट बैंक को तोड़ने में लगे हैं। यदि यह वोट पलटा तो तकरीबन 46,000 वोटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं बसपा ने 2022 विधानसभा चुनाव में 34,000 मत हासिल किए थे और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती। लेकिन हाशिए पर खड़ी कांग्रेस का यहां पर कोई भी जनाधार नहीं है। ऐसे में यह मुकाबला सीधा सीधा सपा आरएनटी और बीजेपी के बीच है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी बागियों पर नकेल कस जाति गलियारों से अपना वोट निकाल पाती है। एमकेएन की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।